जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आती जा रही है, रूसी हमले काफी तेज हो गए हैं। लगातार इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी बीच पोप फ्रांसिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 9 मई को युद्ध खत्म होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का 70वां दिन। रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूस यूक्रेन युद्ध धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। जैसे जैसे 9 मई की तारीख नजदीक आ रही है, हमले काफी तेज हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन के चेकोर्सी शहर की हैं, जहां रूस के हमले का कैलिबर मिसाइल से तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, जो लवीव शहर की हैं। यहाँ रूस के भारी हमले के बाद चारों ओर आग लग गई और धुआं ही धुआं दिख रहा है। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे यूक्रेन के पोपस नया शहर में रूस की प्राइवेट मिलिट्री पीएमसी वैगनर ने कई इमारतों पर लगातार बम बरसाए और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ। इन हमलों के बीच लगातार अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। सायरन की तस्वीरें कीव की हैं। हालांकि कीव पर हमले रूस के काफी कम हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ये हमले होते रहते हैं। यूक्रेनी सेना भी लगातार रूस को जवाब दे रही है। अब इन तस्वीरों में देखिए कैसे यूक्रेन के हेलीकॉप्टर हमलों का जवाब देने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। इसी बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा, रूस आगे दूसरे देशों पर भी हमला कर सकता है। Dass Grenzen nicht mehr verschoben werden mit Gewalt und dass die Souveränität von Staaten geachtet werden muss. Das Recht ist von Russland gebrochen worden. Und deshalb kann niemand davon ausgehen, dass der russische Präsident und die russische Regierung nicht auch bei anderer Gelegenheit das Recht der Völker und unsere Verständigung brechen würde. अब इन तस्वीरों को देखिए, ये अजोवत्सल की है, जहां लगातार लोगों को निकालने का काम जारी है। इस बीच वहां से हमले की तस्वीरें आई जो बेहद खतरनाक है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अजोवत्सल में हमला कितना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।